क्या हो गया? गाड़ी बंद पड़ गई? भाई साहब, ओ क्या हो गया? मैडम गाड़ी गर्म हो गई, पानी डालना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। ओहो, पानी भी अभी खत्म होना था। क्या हुआ? आप रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। भाई साहब वक्त देखिए, पानी कहाँ मिलेगा आपको इस वक्त? नजदीकी दुकान है, खुली होगी शायद। मैं पानी लेके आता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। जल्दी आना प्लीज। जी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। क्या पिक्चर थी? अरे आज तो मजा आ गया। कुछ भी बोलो। चलो आज तो तकदीर पलटा मारिए, चलो। अरे अंदर कोई लड़की नजर आ रही है, चलो देखते हैं, चलो। खोलो खोलो खोलो, बचाओ। चल खोल खोल दरवाजा, खोल। बचाओ, अरे बचाओ। ईशा नीचे उतारो। चल खोल खोल दरवाजा, खोल। बचाओ, अरे खोल ना। चल खोल खोल। अरे अरे पकड़ो भाई। सवाल मत पूछिए, बस चलिए। चलो कीजिए। कर रहा हूँ मैडम, कर रहा हूँ। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही है? चालू कीजिए। निकल गई, पता नहीं है कौन थी। छोड़ ना यार, अगर उसने देख भी लिया है ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल चल चलते हैं। बिगड़ा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तीन बोतल खलास कर गया अकेला ही। तुझे वाशी जाना है ना? हाँ साहब। देख रात बहुत हो चुकी है, एक काम कर, तू निकल, मैं देख लूंगा इसे। ठीक है साहब, चल जा। अरे बॉस, बार बंद करने का टाइम हो गया, ये रहा तुम्हारा तो। हाँ, इतना जल्दी बंद कर रहा है? हाँ अभी तो डेढ़ ही बजे। डेढ़ बज रहा है तभी तो बंद कर रहा हूँ। अरे इतना गर्म क्यों हो रहा है? बस चला जाऊंगा, एक आखिरी पैक पिला दे। पक्का? हाँ आखिरी ना, इसके बाद एक बूंद भी नहीं मिलेगी। कम वक्त दुनिया वाले चैन से पीने भी नहीं देते हैं। ये ले, जल्दी पी और उल्टी हो ले।
कौन है? उधर तो कुछ भी नहीं है। लगता है अपुन को ज्यादा चढ़ गई ली है। दस? नो! आश! दस! नो! आश! सागरिका, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, रात को सोई नहीं क्या? क्या बात है सागरिका, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? अरे कोई आए! पकड़ उसको! हाँ, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो फिर तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले निशान क्यों पड़े हुए हैं? क्या बताऊं, सच बात है, आजकल रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों बड़े बुरे बुरे से सपने आते हैं। बुरे सपने? कैसे बुरे सपने? वो बताओ ना सागरिका, कैसे बुरे सपने? क्या हुआ? हाँ, सपने, मैं सपने, वो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए, इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा, ज्यादा सवाल करके अपनी परेशान मत कीजिएगा। और हाँ, जरा ख्याल रखिएगा, अगर इन्हें फिर से दौरा पड़ गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। चलो नर्स। कौन है तुम लोग? उसी ने भेजा, अब क्या, मुझे भी मारना चाहता है वो। अरे नहीं यार, हम तो बस वो। सुनिए, हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा, हम यहाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम आपको बचाने आए। बचाने आए? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, पर आप हमें ठीक से याद करके बताइए कि आखिर कल रात हुआ क्या था।
बहुत भयानक आवाज थी उसकी, बहुत भयानक। उसकी गर्दन गर्दन ऐसी गर्दन थी उसकी, और उसमें 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 इतनी ताकत थी कि शायद 100 आदमी में भी नहीं हो सकती। उसने ना उस आदमी को ऐसा पकड़ा और मेरे सामने ऐसा फेंक दिया बुद्धू, देखता रह गया। हाथ उसके हाथ ना ये नम नम आते और गर्दन के पास से ऐसे जा रहे थे। मार डालेगा मुझे वो। शांत कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, शांत हो शांत। मुझे बचाना है। मुझे लगता है ये अभी भी सपने में, एंड आई एम श्योर कि इसको उस आत्मा के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस आत्मा ने सिर्फ रघु को क्यों मारा, इसे क्यों नहीं। हो सकता है कि रघु के साथ उसकी कोई आपसी दुश्मनी हो। चल मौत चलते देखते हैं, रघु की लाश आ गई होगी वहां। अरे तो डर क्यों गई? मैं टीना हूँ, टीना। क्या हुआ? तू अभी तक उस हादसे को नहीं भूली? अरे तू उसे याद करेगी तो पागल हो जाएगी तू। क्यों नहीं भूलती उसे? कैसे भूलूं? कैसे भूलूं? पागल तो मैं हो ही गई। आज क्या हुआ? क्या बताती हूँ, रुक बताती हूँ। ये देख क्या चुका है। कौन है ये? उस दिन जो हादसा हुआ था ना, वहां दो आदमी थे। उन दो आदमी से ये एक है। क्या तो सच कह रही है? सच तो कह रही। टीना मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे सपनों का और इन मौतों का जरूर कोई कनेक्शन है। जरूर कोई। कैसे सपने? क्या हुआ? ये तुझे क्या हुआ? क्या तेरे माथे पे? माथे पे? हाँ अरे तेरे तेरे माथे पे कुछ भी तो नहीं है। नहीं मेरे पास मत आना,
क्या हुआ सागरिका? रघु के रिश्तेदार हैं? हाँ, वो मेरा चचेरा भाई है। बड़ी दर्दनाक मौत पाई उस बेचारे ने। उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि क्या? बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। यही है रघु की लाश। मैं खुद पर अकेला रहना चाहता हूं रघु के साथ। ठीक है, लाश देखी मैंने। बहुत बहुत बुरी मौत हुई उसकी। कहीं वो वापस तो नहीं आ गया हमसे बदला लेने? ठीक है बॉस, मैं आता हूं। वहां कहाँ है वो? कहाँ गया वो? हाँ,
सागरिका, सागरिका दरवाजा खोलो, सागरिका तुम ठीक तो हो ना? सागरिका पिछले आधे घंटे से मैं सागरिका ये खून सागरिका तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खून किसका है? और ये कपड़े किसके कपड़े हैं ये सागरिका? मालूम नहीं ये खून किसका तुम्हें मालूम नहीं? ये कपड़े किसके तुम्हें मालूम नहीं? मालूम नहीं है सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये खून किसका है? ये कपड़े किसके हैं? इस कमरे में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सर, मैंने तो पहले ही कमलेश से कहा था कि प्रखु की मौत एक आत्मा की वजह से हुई है और आवाज देखिए वो भी बेमौत मारा गया। पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिखे हमें वो। अगर वो आत्मा दोबारा आ गई तो? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, कुछ पता लगा? हाँ, कमलेश झूठ कह रहा था। वो और रघु कोई भाई भाई नहीं है। वो दोनों तो भांडो की एक फैक्ट्री में साथ में काम किया करते थे जिस पर कुछ ही दिन पहले ताला लग चुका है। इनफैक्ट तुम लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि उन दोनों ने इन दिनों के बीच 3-4 फ्लैट भी खरीद लिए। क्या फैक्ट्री पे ताला लगने से बोलो बेरोजगार हो गए होंगे ना? तो फिर उन दोनों ने 3-4 फ्लैट कैसे खरीदी? कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस भांडू वाली फैक्ट्री में जाकर पता करना चाहिए। चलो सागरिका, एक मिनट, कुछ बात करनी है तुमसे। प्लीज मैम, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक। क्या हुआ तुझे? तू मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? ये तो अब डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर? इसमें डॉक्टर क्या करेगा? हाँ डॉक्टर, और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। चलो टीना, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, पर जो चीज से मैं परेशान हूँ उसका जवाब डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। क्या मतलब? देख, तू नहीं समझेगी। तो समझाओ ना मुझे, तुम क्यों नहीं समझा रही हो? और आखिर चल क्या रहा है सागरिका? जिस तरह से तुम्हारे सपने, किस तरह से तुम्हारा बेहोश होना, और ये इस तरह से अनजान कपड़े, क्या है ये सब? टीना, अगर मेरे पास इन बातों का जवाब होता तो मैं तुझे बताऊंगा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले मैं खुद इन चीजों का जवाब ढूंढती हूँ और फिर तुझे बताऊंगी। सागरिका, एक मिनट आना। तू ये पानी पी और रिलैक्स हो। रिलैक्स? शी इज कॉलिंग मी, इट डजंट लुक नाइस ना। या मैम, कमिंग 2 मिनट्स। अरे अरे सुन तो। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ थे हम? नंबर 1। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। ओके कूल फास्ट। सागरिका,
वो उल्टी गिनती उल्टी गिनती वो छोड़ गए वो सागरिका सागरिका कुछ नहीं है सागरिका सागरिका कुछ नहीं है नहीं है कुछ भी सागरिका 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 प्लीज दरवाजा खोलो सागरिका प्लीज दरवाजा खोलो सागरिका प्लीज दरवाजा खोलो सागरिका 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 लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस आत्मा ने सिर्फ रघु को क्यों मारा इसे क्यों नहीं ये खून किसका तुम्हें मालूम नहीं ये कपड़े किसके तुम्हें मालूम नहीं है सच में मुझे कुछ नहीं मालूम कमलेश झूठ कह रहा था वो और रघु कोई भाई भाई नहीं है वो दोनों तो भांडुप की एक फैक्ट्री में साथ में काम किया करते थे सागरिका प्लीज दरवाजा खोलो
लड़की लेके आओ जल्दी प्लीज। सागरिका, सागरिका, कहीं मुझे कुछ होता नहीं गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। सागरिका, अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई आवाज नहीं आ रही। चौकीदार तो कह रहा था कि इस फैक्ट्री का सुपरवाइजर अंदर ही है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। वो यहीं कहीं होगा, अब शायद इस सुपरवाइजर ही हमें बता पाएगा रघु और कमलेश के मौत के बारे में। पर ये फैक्ट्री तो बंद है ना, तो फिर सुपरवाइजर यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो इस फैक्ट्री में कोई चक्कर लग रहा है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई। ऊपर चलो। एक और लाश। ये लाश है किसकी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। ये तो अमित जी हैं। अमित जी? कौन अमित जी? इस फैक्ट्री के मालिक। क्या मतलब उस आत्मा ने इस फैक्ट्री के मालिक को भी मार दिया? नहीं अम्मी, अगर ये आत्मा होती तो इस तरह लाश को छुपाती नहीं। ये काम किसी आत्मा का नहीं, इंसान का है। लेकिन ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर का है। अभी यही था साहब, लाश देख के डर के भाग गया। कहां भाग गया? उस तरफ। चलो। राघव तुम वहां जाके देखो, यामिनी तुम मेरे साथ चलो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहले रघु, फिर कमलेश, अब एक और लाश, एक और लाश। मैं क्या करूं? ये मैं तो यूं ही डर गया था। कौन 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 है? ये ऐसे कौन खींच रहा है? यहां तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहां।
दस नंबर नौ नंबर नौ आठ आठ सात ये नंबर कहां से आया? छह छह पांच चार तीन दो एक मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। आत्मा ने तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर को भी मार डाला। न जाने और कितने लोग मरेंगे इसके हाथों से। चलो पीछा करते हैं इसका। ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? सब ये जगह कौन सी है जी? ये एक ऑयल मिल है, पर आप वो मैं ये आपके कपड़े पे खून कैसे?
पता नहीं हाँ सच में पता नहीं ये खून कहाँ से आया मुझे पता नहीं ये कपड़े जो मैंने पहन के रखे हैं वो किसके हैं मुझे पता नहीं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ हर्ष तुमने इसके कपड़े देखे ये तो वही कपड़े हैं जो सातवा ने पहन रखे थे कहीं ये लड़की वो आत्मा तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है वो आत्मा तो एक आदमी की थी ना हमने खुद देखा था तो फिर ये कपड़ों पे लगा हुआ खून कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस लड़की का उस आत्मा के साथ सुनिए रुको देखिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी मुझे बस जाना है हमें इस मिल में एक आदमी की लाश मिली है और तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है तो मैं बहुत परेशान हूँ मुझे बस घर जाना है चली जाओ पर पहले हमें ये बता कि तुमने उस आदमी को मारा क्यों मैंने हाँ तुमने उस आदमी की जान ली है मैंने किसी को नहीं मारा है भला मैं किसी को क्यों मारूंगी मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है खुद बहुत परेशान हूँ बेहोश हो जाती हूँ होश में आती हूँ तो कपड़े बदले हुए होते हैं और एक खून लगा हुआ होता है ये तुम्हारे साथ कितने दिनों से हो रहा है तीन दिनों से पिछले 3 दिनों से लोग मारे जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो आत्मा तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है लोगों को मारने के लिए मतलब वो आत्मा मेरे अंदर आ जाती है और मैं लोगों का खून करती हूँ हाँ और जब उस आत्मा का काम खत्म हो जाता है वो तुम्हारा शरीर छोड़ देती है तब जाके तुम्हें होश आता है पता नहीं ये सब सागरिका के साथ ही क्यों हो रहा है वो आत्मा वो क्यों उसके शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को मार रही है टीना ये रस्सी लो और बांधो मुझे मैं अब और किसी की जान नहीं लेना चाहती मैं किसी को मारना नहीं चाहती बस बांधो मुझे क्या बात है तुम एक दूसरे को देख क्या रहे हो अरे बांध दो मुझे वरना बहुत देर हो जाएगी वो उल्टी गिनती वो शुरू हो जाएगी इसलिए बांध दो मुझे उल्टी गिनती दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक और मैं बेहोश हो जाऊंगी फिर कहीं और एक और इंसान मारा जाएगा इसलिए मैं किसी को मारना नहीं चाहती बस बांध दो मुझे बांध क्या बात है बांध दो ना मुझे प्लीज बांध दो ना मेरी बात कोई मानता क्यों नहीं मुझे नहीं करनी ना मेरी मदद ठीक है मत बांधो और मैं अपनी खुद की मदद करूंगी इस खून खराबे को रोकने का शायद यही एक तरीका है बांधो इसे मैं किसी को मारना नहीं चाहती मैं अपने आप को बांधूंगी ताकि ये खेल ही खत्म हो जाए और मैं किसी को लेकिन सागरिका तुम ऐसे कब तक बंधी रहोगी जब हम तुम्हें दोबारा खोलेंगे
उस वक्त भी तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तब तक जब तक वो आत्मा मेरे शरीर को छोड़ नहीं देती। खून खून किया है मैंने। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम और भी खून करने वाली हो? ये भी तो हो सकता है कि वो आत्मा अब तुम्हारे पास नहीं आए। नहीं, वो आत्मा जरूर आएगी। उस रात एक और आदमी वहां मौजूद था, उसे भी जरूर मारेगी। कौन आदमी? वो चौथा आदमी। ये सब उस मनुष्य रात को शुरू हुआ था जब मैंने वो हादसा होते हुए देखा था। किस हादसे की बात कर रही हो तुम? 3 रात पहले की बात है, जब मैं काम से लौट रही थी, एकाएक मेरी टैक्सी खराब हो गई। मुझे छोड़ दो मुझे। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब तो मैंने उन कागजों पे भी साइन कर दिए हैं। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जरूरी उस आदमी की आत्मा है जिन्हें इन सबने मिलकर फांसी और वापस आ गया है। इन सब से पता लेना। उन तीनों को तो उसने मार दिया, ये चौथा आदमी कौन था? चौथा मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। हमें उस चौथे आदमी तक पहुंचना होगा। हो सकता है वो चौथा आदमी भी उसी फैक्ट्री में काम करता हो। तुम दोनों यही रुको, मैं फैक्ट्री में पता करके आता हूं। सागरिका, क्या तुम्हें पानी चाहिए? थैंक्स। इस ग्लास में 10 लिखा हुआ है। मतलब उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई। इसका मतलब वो आत्मा फिर से तुम्हारे शरीर में आने वाली है। साहब कैसी बातें कर रहे हो? जिन लोगों की मौत हुई है उनको मैं जानता जरूर था, लेकिन उनकी मौत क्यों हुई है ये मुझे नहीं पता।
आपको छुपा रहे हैं। देखिए सच सच बोलिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे साहब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं है। जितना पता है उतना बता दो। साहब एक बात बताऊं, रघु, कमलेश और फैक्ट्री का सुपरवाइजर श्याम, ये तीनों अच्छे लोग नहीं थे साहब। मतलब ये तीनों मिलके फैक्ट्री के मालिक पर बराबर दबाव दे रहे थे फैक्ट्री बेचने के लिए। लेकिन अगर ऐसी बात ही तो आपके मालिक ने पुलिस में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं की? अरे नहीं जा सकता था क्योंकि ये तीनों मिलके उसको ब्लैकमेल जो कर रहे थे। ब्लैकमेल? कोई ना कोई चीज तो थी उनके पास जिसका वो गलत फायदा उठाकर उसको बराबर ब्लैकमेल किए जा रहे थे। फिर साहब अभी दो दिन पहले ही फैक्ट्री से कुछ कागजात मिले हैं जिन पे लिखा है कि सारी की सारी फैक्ट्री उन दोनों के नाम कर दिए मालिक ने, और तब से साहब मालिक भी गायब है। मुझे तो लगता है इन तीनों ने मिलकर मालिक से जबरदस्ती कागज पर साइन करवाया और उसको कहीं मार के उसकी लाश को कहीं दफन कर दिया। तो क्या ये तीन लोग ही आपके मालिक को ब्लैकमेल कर रहे थे, कोई चौथा आदमी नहीं था? चौथा आदमी? हाँ चौथा आदमी। दरअसल एक लड़की ने आपके मालिक का खून होते हुए देखा है और वो कह रही थी कि वहां पर तीन नहीं चार लोग थे। नहीं नहीं चौथे आदमी का तो मुझे पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की और क्या कह रही थी साहब? बस वो ये कह रही थी कि बहुत जल्द उस चौथे आदमी की मौत होने वाली है। मुझे लगता है कि शायद आपके मालिक की आत्मा अपने खूनियों से बदला ले रही है उस लड़की के जरिए। तो क्या मैं भी मारा जाऊंगा? तो क्या तुम वो चौथे आदमी हो? नहीं 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 मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। हाँ राघव सब ठीक है क्या? सागरिका भाग गई? राघव मैं मिल में, वो चौथा आदमी मुझे मिल चुका है, तुम दोनों जल्दी आओ। दिनकर 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 राघव यामिनी, उस चौथे आदमी का नाम दिनकर है और वो उस तरफ कहीं गए। चलो जल्दी हमें उसे बचाना होगा। दिनकर दिनकर दस नौ आठ सात कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गया दिनकर? मालिक हूँ मैं तेरा। मालिक? वही मालिक जिसके साथ तूने नमक हरामी की। मुझे माफ कर दो मालिक, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं नहीं, मुझे माफ कर दो। वो मुझे मार देंगे, आत्मा मुझे मार डालेगी। तुम चलो हमारे साथ, जल्दी चलो। चलो Ya
रबड़ी। यमनी, यमनी, आ, चलो यमनी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सागरिका, मार डाला मैंने उसे, मार डाला ना, मैंने एक और जान ले ली, मैंने फिर से मार डाला किसी को, मैंने फिर से किसी को मार डाला, मैंने जान ले ली किसी की, मैंने मार डाला किसी को। सागरिका, मेरे सागरिका, संभालो अपने आप को। इस फैक्ट्री के मालिक ने अपना बदला पूरा कर लिया है, अब यहां और कोई नहीं मरेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।